सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्रीति, प्रकाश, मनुपाध्याय, जितने भी लोग हैं सबको एक बार सादर नमस्कार। सभी लोग आ गए ना बैच पर? चलो शाबाश, वेरी गुड। प्रीति, प्रकाश, मनु, धर्मेंद्र, प्रजापति, तृप्ति मिश्रा, तृप्ति, अमित कुमार उपाध्याय, सभी को सादर प्रणाम। वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक की, जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है सिलेबस में भी है, लेकिन जो बिहार एस्टेट के सिलेबस में है वो थोड़ा सा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, यानी कि आपके में बहुत ज़्यादा नहीं आता। अगर मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस कहाँ पर है? देखिए, ये है हमारा सिलेबस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले आइए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये रहा। बाकी सभी वीडियोस अपलोडेड हैं, बस यही एक टॉपिक बचा है, इसको मैं करवा देता हूं। बाकी के पीडीएफ आपको डालूंगा। यहां पर पायरोल पढ़ना है, थायोफिन पढ़ना है, फ्यूरॉन पढ़ना है, पायराडीन, इनके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस पढ़ लेने हैं, केमिकल रिएक्शन और कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी पढ़ना है। मेन यही है, कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी जो आप देख रहे हो यही मेन टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि यही अधिकतर पूछा भी जाता है। कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ही पूछते हैं अधिकतर टॉपिक, ध्यान दीजिए। तो इस पर ध्यान देना है। प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, फिशर इंडोल सिंथेसिस और स्क्रैप सिंथेसिस, यानी कि जो प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़नी है वो केवल इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन की पढ़नी है, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद बायोमोलिक्यूल पढ़ा करके फिर आप अपना रिविजन आराम से बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। और अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। तो पहले आपको सिलेबस जरूर पता रहे कि आखिरकार सिलेबस क्या है, तो मैं यहाँ से आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करूँगा कि हमारा सिलेबस ये इतना सिलेबस हमारा है, ये हमारा सिलेबस है यहाँ से, ठीक है। ये सिलेबस हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कहाँ पर गया हमारा टॉपिक? ये आ गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और यहां पर इसको मैं पेस्ट किए देता हूं। यहां पर नहीं आया, नहीं, गड़बड़ा गया, सॉरी, नहीं आएगा वहां से, कलर्ड हो चुका इसलिए नहीं आएगा, नहीं तो आ जाता। हुआ एक्चुअली में ओवर हो गया है इसीलिए नहीं आया, वरना आ जाता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, लिख लेंगे दोबारा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, प्रियंका गंगवार भी आज दिखाई दे रहे हैं, अनीता राज भी दिखाई दे रहे हैं, तृप्ति भी दिखाई दे रही, चलिए शाबाश, वेरी गुड, सभी लोग हैं, ठीक है। देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, उनको जाने फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई पहले उनको जान लेते हैं क्या है, जरा पेन सेट हो जाए फिर चलते हैं। एक मिनट, रीसेट करना पड़ेगा इसे, एक मिनट का समय दीजिए बस। चलिए ठीक है, देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होंगे जिसमें एक रिंग के अलावा, यानी कार्बन के अलावा भी एक हेट्रो एटम होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक
कंपाउंड्स आर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच रिंग कंटेन्स एन हेट्रो एटम। अब हेट्रो एटम में सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है ना, हेट्रो एटम में कोई भी इनमें से हो सकता है। अलोंग विद कार्बन एटम, कार्बन एटम यानी कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम इसमें साथ में अगर है तो वो कहलाएगा आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं मेनली तो दो तरीके के हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं डिवीजन बना देता हूँ, जो मेन मेन टॉपिक है उनको डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिख दिया मैंने, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में, यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। नंबर वन, एक फाइव मेंबर्ड रिंग बना दीजिए और एक बना दीजिए आप सिक्स मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पर दो हिस्से बनाएंगे हम लोग। नंबर वन पार्ट हो जाएगा हमारा, एक हो जाता है फाइव मेंबर्ड रिंग और एक हो जाता है सिक्स मेंबर्ड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइव मेंबर्ड रिंग हो गया ये, ठीक है प्रियंका। और यहां पर हो गया हमारा सिक्स मेंबर्ड रिंग हो गए। तो यानी कि कहने का मीनिंग है यहां पर पांच एटम होंगे रिंग के अंदर। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एग्जांपल क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये मैंने एग्जाम्पल बनाया इस तरीके से, इसको आप क्या बोलते हैं जानते हैं से, इसे बोलते हैं पायरोल, ठीक है ना। यहाँ पर एच लगा लीजिए तो ये बन जाता है पायरोल, ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, पायरोल बोलते हैं। आईयूपीएसी अगर नाम देखोगे तो आप इसे एजोल के नाम से भी जानोगे, एजोल के नाम से जानोगे। यहीं पर अगर ऑक्सीजन लगा दीजिए आप इस तरीके से तो ये फ्यूरोन के नाम से जाना जाएगा, तो यहाँ पर आप इसे फ्यूरोन लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने फ्यूरोन लिख दिया, ठीक है, समझ में आपको आ रही तृप्ति मिश्रा जी, बाकी सभी लोग हाँ हूँ कुछ करें तो हम समझेंगे। इसे हम लोग ऑक्सोल के नाम से जानते हैं, जोल नहीं, ऑक्सोल के नाम से जानते हैं, ऑक्सोल, ठीक है, OXOLE, ऑक्सोल के नाम से जानेंगे। थायोफिन को फिर थायोल के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से ये पांच एटम इसमें हमें दिखाई देंगे, टोटल गिन सकते हो आप, एक दो तीन चार पांच, देखो ध्यान से देखो, पांच गिनना है आपको। यहाँ पर सल्फर बना दीजिए तो बहुत ही प्रॉपर वे में, जो बिहार एस्टेट में, हाँ आप उतना ही करिए, ज्यादा परेशान बुक की लेने की जरूरत नहीं, इतना कर लोगे ना तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा आपका। यहाँ पर थायोफिन की जरूरत पड़ेगी, थायोफिन में चली जाए, बाकी सब रिकॉर्डेड वीडियोस में भी है, अगर बहुत ज्यादा चाहिए तो रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रखें, लेकिन इतना सफिशियंट होगा आपके लिए। यहाँ पर थायोओल के नाम से जाना जाएगा ये। उसी के बाद अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर लीजिए तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यानी कि THF के नाम से जानते हैं इसे, इसे हम लोग ऑक्सोलेन कहते हैं, OXOLANE, ऑक्सोलेन के नाम से जानते हैं। और एक कंपाउंड का नाम और आपको याद रखना, जिसका नाम पायरोलिडीन है, पायरोल की बहन है, इसीलिए इसको पायरोलिडीन बोलते हैं, पायरो है ना, पायरोलिडीन बोलते हैं, LIDINE, पायरोलिडीन। एजोलिडीन इसका IUPAC नाम हो जाता है, एजोलिडीन इसका IUPAC नाम हो जाता है। तो जितने भी IUPAC नाम है वो मैं येलो कलर से ऐसे करके दिखाई दे रहा हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा आज की इस पूरी वीडियो में। बाकी तो हम लोग क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को अभी आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा।
और अगर हम लोग इनको देखें, जैसे ये पायरोल हो गया, हमारे पास फ्यूरोन हो गया है ना, ये थायोफिन हो गया, ये आपका टीएचएफ हो गया, और ये आपका पायरोलिडीन हो गया। तो आईयूपीएसी नेम जो है वो येलो कलर से दिखाए गए हैं। सिक्स मेंबर्ड रिंग पढ़ रहे हैं अब हम लोग, ये हमारे फाइव मेंबर्ड हो गए, और इसी तरीके से सिक्स मेंबर्ड भी जान लो। सिक्स मेंबर्ड में सबसे पहला कंपाउंड होगा हमारा पायरेडीन, तो यहाँ पर मैं पायरेडीन बना देता हूँ, ये हमारा पायरेडीन हो जाता है। इसके अंदर एक जो लोन पेयर है वो बाहर बनाना पड़ेगा है ना। दूसरा हमारा कंपाउंड है, अभी मैं इसके आईपीसी भी लिख दूंगा, ये हमारा हो जाता है पिपराइडीन। इस पर भी क्वेश्चन पीजीटीज के एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। ये अगर हम कहें तो ये पायरेडीन है, ये हमारा पायरेडीन हो गया, और ये हो गया पिपराइडीन, पिपराइडीन हो गया, और वो वाला हो गया पायरेडीन। अब अगर इसका नाम एजाइन, ये आईयूपीएसी नाम है एजाइन, और पूछा गया है एग्जाम्स में पूछा गया है। पिपराइडीन को अगर आप देखोगे तो पर हाइड्रेजीन पूछा गया है, तो ये से आप पर हाइड्रेजीन के नाम से जाना गया, तो ये नाम भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सिक्स मेंबर्ड और फाइव मेंबर्ड रिंग को आप जरूर याद रखिएगा। ये एजाइन हो गया, एक पर हाइड्रेजीन हो गया, बस केवल यही कंपाउंड अगर आप याद रख पाएंगे तो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में इनमें से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बाद भी जानना चाहते हैं तो फिर एक ऑक्सीजन वाला रिंग जान लीजिए, इसका नाम पायरेन भी है, जो हम लोग पायरेन बायोमोलिक्यूल जब पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे कि ये कंपाउंड भी एक ऐसा कंपाउंड भी है जिसे आप पायरेन के नाम से जानते हैं। पायरेनोज स्ट्रक्चर वहीं से आया, ये पायरेन है, ये पायरेन है ना। ऑक्जेन के नाम से जानते हैं इसे, ऑक्जेन के नाम से जानेंगे, तो यहाँ पर मैं ऑक्जेन कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ पायरेन, ठीक है, ध्यान देंगे इस पर। उसके बाद थायोपायरेन, अगर सल्फर लगा दीजिए तो थायोपायरेन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं सल्फर लगा दूँ। इनके नाम जरूर ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो आप फिर बाद में सोचेंगे, परेशान हो जाएंगे। इसे थायोपायरेन बोलते हैं, थायो पायरेन के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग यानी कि यहाँ ऑक्जेन है तो यहाँ थायोएन हो जाएगा, THIANE थायोएन हो गया। तो इस तरीके से भी हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब टेट्राहाइड्रोपायरेन लिखना है तो अंदर का बॉन्ड हटा दीजिए तो टेट्राहाइड्रोपायरेन हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका मन ही हो रहा है इसमें लिखने का, तो यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ कंपाउंड, और इसमें ओ लगा देता हूँ, अंदर लोन पेयर दिखा दूँ, यहाँ पर केवल टेट्रा है ना हाइड्रोपायरेन, THP बोलते हैं इसे, और ऑक्जेन के नाम से हम इसे जानेंगे। पी का मतलब यहाँ पायरेन है, ठीक। तो ये आपको स्ट्रक्चर बढ़िया से याद हो जाएंगे। बाकी लोग अब लाइव आना लगभग बंद हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो आप लोग भी जरा ध्यान रखिए कि वो लाइव ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में ठीक लगेगा, ठीक। तो ये तो कंपाउंड हो गए। अब इसी के साथ में कुछ ऐसे कंपाउंड हैं कि एक से ज़्यादा हेटरो एटम अगर रिपीट कर जाते हैं तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नाम भी हम लोगों को पता रहना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें याद रहे, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। लेकिन होंगे वो सिक्स मेंबर्ड ही, सिक्स मेंबर्ड में भी कुछ अलग तरीके के कंपाउंड जो हमें याद रहने चाहिए, हमें याद रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि कारण है कि एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिए तो हम कहाँ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना, इधर उधर गड़बड़ा जाएंगे फिर। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट अलग हटके, जो सिक्स मेंबर्ड तो है लेकिन सिक्स मेंबर्ड में भी कुछ अलग है, तो यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड की हेडिंग बना देता हूँ, अलग से बना देता हूँ, स्टार बना करके अलग से आप इन्हें नोट कर लेना, अलग से नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, ये अलग से नोट करिएगा। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर मैं रेड कलर से भी स्टार दो मार्क कर रहा हूँ, तो इनको आप अलग से बिल्कुल पढ़िएगा क्योंकि ये कंपाउंड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नंबर वन, एक इसमें एक से ज़्यादा हेटरोएटम है, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दीजिए और यहाँ पर NH, इसको हम लोग पायरेजोल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ मैंने इस तरीके से बॉन्ड बनाया, यहाँ इसे हम लोग पायरेजोल के नाम से जानते हैं, पायरेजोल। एक तो ये याद रख लीजिएगा जिसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। दूसरा एक कंपाउंड और भी आप पढ़ सकते हो जिसका नाम है पायरेडाजीन, तो वो सिक्स मेंबर्ड में है। यहाँ तो एक तो यही पढ़ना है मेनली, इमिडाजोल, अगर चलो एक और इमिडाजोल और देख लो क्योंकि नाइट्रोजन की पोजीशन बदलोगे तो इमिडाजोल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं NH ऐसे ही लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पोजीशन बदलूंगा तो ये इमिडाजोल बन जाता है। अगर तो यहाँ पर चाहना तो इसको भी आप पढ़ लो, तो मेरे हिसाब से ये आपका हो गया इमिडाजोल, इमिडा
जोल हो गया, तो इसे इमिडाजोल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है नीता। अब आगे नेक्स्ट कंडीशन में अगर आप जानना चाहो तो पायराडेजिन चले आओ, तो नेक्स्ट कंपाउंड आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, ये एन हो गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड देना और एन दे देना। तो अब इनमें बॉन्डिंग करने का अल्टरनेट रहेगा ना, तो एक बॉन्ड यहाँ बनाना पड़ेगा, ये कहलाता है आपका पायरे, पी वाई आर आई, पायरे हो गया और पायरीडाजीन हो गया, ठीक है। डाइएजीन 1.2 डाइएजीन भी बोलते हैं इसे, पायराडाजीन हो गया, और इसको हम लोग 1.2 दो पोजीशन है, तो 1.2 इसे हम लोग डायाजोल के नाम से जानते हैं, हालांकि आएंगे नहीं पेपर में। और ये 1.3 हो गया, 1.3 डायाजोल के नाम से जाना जाएगा। ये जो पायराडाजीन है इसको 1.2 डाइएजाइन के नाम से जाना जाएगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये मैं येलो कर रहा हूँ, ये सभी नाम IUPAC के हैं, और जो ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूँ ये सभी नाम इसके कॉमन है, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद चले आइए नेक्स्ट कंपाउंड पे, चले आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड क्या कह रहा है, यहीं पर बना देता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं लूँगा। एक तो आपको क्विनोलिन याद रखना है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है क्विनोलिन का, तो यहाँ पर आप क्विनोलिन को जरूर पढ़ लें भाई, ठीक है। तो ये मैं पहले तो क्विनोलिन में क्या करूँगा, एक रिंग तो पूरा बनाऊंगा जो बेंजीन का है, दूसरा रिंग में पायराडीन जोड़ दूंगा तो क्विनोलिन बन जाता है, इस तरीके से ये हमारा हो गया क्विनोलिन। ये स्ट्रक्चर भी खूब पूछा जाता है, तो यहाँ हेडिंग बना देता हूँ मैं क्विनोलिन। ऐसे तो बहुत कंपाउंड है लेकिन बिहार स्टेट में इससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, बिहार स्टेट में इतना ही सफिशियंट रहेगा, और BPSC में है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर आप अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर इसी पर टाइम खराब कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। BPSC में है नहीं और बिहार स्टेट में ये बहुत कम पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता दूंगा बस वही पढ़ लेना, सफिशियंट हो जाएगा। ये आपका हो गया आइसोक्विनोलिन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइसोक्विनोलिन, तो आइसोक्विनोलिन को आप पढ़ लेना, तो जितना मैं आज बता रहा हूँ इतना पढ़ लेना, PDF में लगा दूंगा उसमें, ठीक। बाकी PDF भी लगा दी है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने आपका क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, ये सब पढ़ लिया सफिशियंट। DSSB में बिल्कुल केवल नाम ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा अनीता कुछ नहीं पूछा जाएगा। DSSB में हेट्रोसाइक्लिक के केवल नाम पूछे जा सकते हैं, बेसिक करेक्टर पूछ सकते हैं, इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आएगी 101%, ठीक है। उसके लिए आपको इधर उधर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनकी नॉम जो नंबरिंग है वो नंबरिंग की थोड़ी सी बात करें तब काम चलेगा। तो यहाँ पर मैं नंबरिंग की बात कर लेता हूँ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग्स कहाँ से करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना, केवल नाम पढ़िएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो देखिए, बहुत प्यार से आपको बता रहा हूँ कि नंबरिंग के लिए आप ऐसे करके, सबसे पहले पायराडीन का ही मेन है नंबरिंग का, वहीं पूछी भी जाती है पायराडीन में ही, ये हमने ऐसे बना दिया। तो नंबरिंग अगर करना चाहे तो चाहे नाइट्रोजन को वन मान के फिर किधर भी घूम जाइएगा, जैसे मान लीजिए वन, तो मेरे हिसाब से एंटी क्लॉक बाय चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन हो गई। ये दोनों पोजीशन नाइट्रोजन के बगल वाली जो पोजीशन होती हैं ये अल्फा पोजीशन कहलाती हैं, ये इसके ऊपर वाली बीटा कहलाती है पोजीशन, और सबसे टॉप वाली पोजीशन जो है ये गामा पोजीशन कहलाती है, इसका एक नाम ध्यान रखना। एक ना और एक जो कंडीशन आ सकती है वो आप जो है वो फ्यूरॉन में और उसमें देख लो, ये कंडीशन आप फ्यूरॉन की भी देख लो, क्योंकि ये तो हो गया आपका पायरोल, और फ्यूरॉन की भी देख लो, दोनों की देख लो। तो ये हमने लिया आपका पायरोल, पायरोल में ये पोजीशन दोनों भाई, ये अब कंडीशन आपको दो दिखाई देंगी, ये पोजीशन अल्फा होगी, ये अल्फा होगी, तो ये वाली पोजीशन फिर क्या हो जाएंगी, बीटा होंगी। हमेशा एंटी क्लॉक वाइज चलना, गलती नहीं होगी। एक यहाँ चलना, दो यहाँ चलना, तीन यहाँ चलना, चार यहाँ चलना, पांच यहाँ चलना, एंटी क्लॉक वाइज ही रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाइए, यहाँ पर आइए, ये आप कंपाउंड अपने आप नंबरिंग मुझे बता दोगे कि सर ये हमने फ्यूरॉन मान लीजिए ले लिया, फ्यूरॉन में फिर वही कंडीशन आ जाएगी, नंबरिंग 1,
टू थ्री फोर फाइव हो गया, फाइव मेंबर्ड है ना, तो पांच ही पोजीशन ही बनेंगी इसके अंदर। ये आपकी अल्फा पोजीशन हो जाएगी, ये इसके अंदर बॉन्ड लगा लीजिएगा, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा हो गई, यहाँ पर भी आपकी बीटा हो गई, और ये आपकी यानी कि जो हेट्रो एटम है उसके बगल वाली पोजीशन हमेशा अल्फा होगी, याद रखना। हेट्रो एटम के बगल वाली पोजीशन हेट्रो एटम के बगल वाली पोजीशन, बगल वाली पोजीशन पोजीशन हमेशा अल्फा होगी, हमेशा अल्फा होगी। एक तो ये ध्यान दीजिएगा, दूसरी है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी। हम देख रहे हैं कि इसमें इस समय लोग जो हैं वो आप मान के चलो कि लाइव सेशन में की जगह सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम रिकॉर्डिंग ही आप अपलोड कर दूंगा, जिससे कि बाद में केवल प्रैक्टिस ऑनलाइन लाइव कराऊंगा, क्योंकि जब लाइव आ ही नहीं रहे लोग, बहुत ही कम लोग लाइव आ रहे हैं, मैं अपना पूरा समय भी आपको दे रहा हूँ। इसके बाद अब हम लोग कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। देखिए सबसे पहले तो मैं पायरेजोल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। पायरेजोल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, सबकी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ। रिएक्शंस एंड क्वेश्चंस आपको पायरोल, थायोफ्यून, फ्यूरॉन सबके रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूँ, है ना, प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज, सभी की बात करता हूँ। पहले तो मैं प्रिपरेशंस की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर प्रिपरेशन लाइव तो मैं रहता ही हूँ, वो अमित कुमार उपाध्याय, आप परेशान नहीं होइए, मतलब मेरे तात्पर्य कहने का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, मैं तो लाइव ले ही रहा हूँ, ऐसे भागूंगा नहीं। प्रिपरेशन आप आ जाइए, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ आ जाइए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। अब इनमें क्या करना है हमें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ हमें देखने वाली होगी। नंबर वन, सबसे पहले एक तो हम लोगों को बनाना है आपका पायरोल बनाना है, तो पायरोल की प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे बननी है। देखिए पायरोल को बनाने के हमारे पास में कॉमर्शियली अगर बनाते हैं, सबसे पहले मेन जो बनाने का तरीका है, चलिए ठीक, वेरी गुड, थैंक यू, चलता है, ये सब होता रहता है। सबसे पहले मैं कंपाउंड यहाँ पर लूँगा अमोनियम म्यूकेट लेता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं पायरोल को बनाने की, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दे देता हूँ। अमोनियम जो म्यूकेट होता है, इसमें होता क्या है, यहाँ पर एच लगा होता है, यहाँ पर ओ एच लगा होता है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ में एच लगता है, यहाँ पर भी आपका ओ एच लगता है। तो पहले तो ऐसे बना लो, फिर सेम कंडीशन में चले आओ, यहाँ पर सी में एच लगा लो, यहाँ पर भी सी में एच लगा लो, जिससे कि आपको समझ में आए, ये लगा लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अमोनियम म्यूकेट बनाना है, तो यहाँ से फिर आप सी डबल ओ एन एच फोर, अमोनियम है ना, सी डबल ओ एन एच फोर ऐसे बना देना, और यहाँ पर भी वही सी डबल ओ एन एच फोर ऐसे बना देना, दोनों कंपाउंड बना लेना। यहाँ पर क्या करना, दोनों तरफ ओ एच लगा देना, ओ एच इधर लगा देना, ओ एच इधर लगा देना, इस तरीके से इस कंपाउंड को बोलते हैं अमोनियम म्यूकेट बोलते हैं, अमोनियम म्यूकेट बोलेंगे। और अमोनियम म्यूकेट को जब आप गर्म करेंगे, यहाँ से वाटर को निकालेंगे, है ना, डिहाइड्रेट करेंगे, तो फिर कंपाउंड आपका फ्यूरॉन जैसा बनना शुरू हो जाए, यानी कि ये वाटर आपका ऐसे करके ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया तो बाकी कंपाउंड में से भी वाटर, ये वाला भी H2O निकाल दीजिए, ये वाला भी H2O निकाल दीजिए, है ना, इस तरीके से H2O निकाल दीजिए, तो यहाँ पर केवल बचेगा सी डबल ओ एन एच फोर बचेगा, अमोनियम का कंपाउंड है सी डबल ओ एन एच फोर बचेगा, और अंदर आपका बॉन्ड हो गया, इसको नाम देते हैं अमोनियम डिहाइड्रोमी, हाइड्रोजन हट गया ना, तो अमोनियम, इस कंपाउंड का नाम है अमोनियम डिहाइड्रो म्यूकेट, हालांकि ये रिएक्शन आने के चांस नहीं है। इसको अगर आप हीट कर देंगे ना, तो यहाँ से फिर CO2 दोनों जगह से निकल जाएगी और अमोनिया निकल जाएगी, तो इस CO2 भी निकलेगी, अमोनिया भी निकलेगी, और कंपाउंड आपको समझ में आएगा कि भैया हमारे पास में
केवल ये कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है NH, ये हो गया आपका कंपाउंड पायरोल मिल जाता है। तो एक मेथड है केवल पढ़ने का। अरे एक फोन आ रहा है, बस बात कर ले। तो ये हमारा पायरोल तैयार हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि यहाँ होगा क्या कि आपको लग रहा होगा कि ये ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन ना, ये ऑक्सीजन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, यानी कि दो CO2 निकल जाएंगे, एक अमोनिया निकल जाएगा और बीच में नाइट्रोजन जुड़ जाता है। लगेगा ऐसा कि फ्यूरॉन बचेगा, लेकिन ना, फ्यूरॉन नहीं बचता है। इसमें सिंपल सा कहने का मतलब, अमोनिया जब फ्यूरॉन को गर्म करते हैं अमोनिया के साथ में, तो अमोनिया केवल एक ही निकलता है। यहाँ पर एक अमोनिया निकलेगा और एक अमोनिया इसमें से वाटर को निकालने में मदद करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो एक तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग इंपॉर्टेंट मेथड्स में काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और ध्यान देना है कि अगर हम लोग मेथड को देखते हैं तो ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, ठीक है अंजनी जी, अभी मैं बताऊंगा आपको। एक तो ये पायरोल हो गया, अब मेन है जो आप बोल रहे हो, ठीक है, पार्लोन मेथड जो होता है, यानी कि अगर हम लोग पाल नॉर सिंथेसिस बोलते हैं, पाल नॉर सिंथेसिस के होता है, चलिए कोई बात नहीं, इनसे भी हम बना सकते हैं, चाहे थायोफिन बनाए, चाहे पायरोल बनाए, चाहे फ्यूरॉन बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक। तो मैं, चलिए आपने कहा है तो मैं इसको भी बता देता हूँ, पाल नॉर, KNOR, ठीक है, शायद डबल आर होता है, मेरी उम्मीद है कि डबल आर होगा या नहीं होगा, देख लीजिएगा, मैं लगाए दे रहा हूँ, पाल नॉर सिंथेसिस कहलाती है, पाल नॉर सिंथेसिस। इससे तीनों बनेंगे तो हम तीनों ही आपको इससे बना करके दिखाई दे रहे हैं, पाल नॉर सिंथेसिस से। चलिए आपने कहा और मैं आपको बताए भी दे रहा हूँ, अनीता जी, अंजनी कुमार, दीक्षा, सभी लोग सुने। अब इसमें क्या लेना पड़ता है हमें, इसमें भी बिल्कुल मिलता जुलता कंपाउंड लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर तो हो गया CH2 होता है, लेकिन CH2 को भी हम ओपन करके लिखेंगे, ये हमने CH2 ऐसे करके लिखा, बैलेंसी अभी तीन ही आपको दिखाई दे रही होगी। फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड, आप ओ लिख लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे करके सी डबल बॉन्ड ओ लिख लीजिए, यहाँ लगा लीजिए आप CH3 और यहाँ पर भी लगा लीजिए CH3, है ना, हेक्साडाइओन कंपाउंड कहलाता है, कीटो फॉर्म होती है, इसको टाटोमराइज करके इनॉल फॉर्म भी बना सकते हो, इसको आप टॉटोमेराइज करा के इनॉल फॉर्म बना लो, तो यहाँ पर टॉटोमेराइजेशन करा दो तो इसकी इनॉल भी बन जाए, इनॉल का मतलब बॉन्ड अंदर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप जैसे चाहे वैसे समझिए। तो यहाँ पर C हो गया, अब एक ही H रह जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि एक H तो इन्वॉल्व हो गया इसमें, तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड कर दीजिए, इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड कर लीजिए, यहाँ पर CH3 कर लीजिए और यहाँ पर आप CH3 कर लीजिए, और ये कंपाउंड अब आपका सामने इनोलिक फॉर्म हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, इनोलिक फॉर्म हो गया, और इस इनोलिक से हम लोग पायरोल बना सकते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए पालनोर सिंथेसिस में अब क्या करना पड़ेगा, जो कंपाउंड मिले हैं इन कंप जो हमारे पास में इनोलिक फॉर्म आपको दिखाई दे रही, इसी को उठा करके हीट कर दीजिए, जो इनोलिक फॉर्म है इसे लीजिए ऐसे करके और इसे ही हीट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड आपको सब मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे अब यहीं से मैं लिख देता हूँ, इनोलिक फॉर्म है ये हमारी इनोलिक फॉर्म है, ठीक है, इनोलिक फॉर्म है कंपाउंड की। इस कंपाउंड का नाम भी आपको मैंने बोल दिया है, हेक्साडाइन डाइओन भी कहलाता है, ठीक है, इस तरीके से नाम याद रखिएगा इसका, हेक्सेन बोलो, हेक्सा नहीं, हेक्सेन डाइओन बोल सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन डाइओन बोलो ठीक रहेगा, तो यहाँ पर हेक्सेन डाइओन आप इसे बोल सकते हो। पोजीशन देना चाहो तो 2 पोजीशन है, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 है तो 2.5 बोल सकते हो आप। चलिए
अब हमें क्या करना है, पहला अगर जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं P2O5 की प्रेजेंस में, गर्म कर दो वाटर निकालना है ना, तो P2O5 की प्रेजेंस में इसे आप हीट कर दीजिए लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका ये कंपाउंड मिलना निश्चित हो जाएगा जिसका नाम है फ्यूरॉन का डेरिवेटिव है। ये फ्यूरॉन का डेरिवेटिव हो गया 2,5 2,5 डाई मिथाइल फ्यूरॉन मिल जाएगा, है ना। इनको आप सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, इनसे आप कर सकते हो, कंपाउंड बना सकते हो। उसी तरीके से अगर हम इसी कंपाउंड को फिर गर्म कर दें, मान लीजिए अमोनिया के साथ में, अगर हमने गर्म किया अमोनिया के साथ में लगभग 130 उसके आसपास गर्म करिएगा इसको, तो इसी का डेरिवेटिव जो अगर अमोनिया के साथ गर्म करोगे ना, तो अभी यहाँ पर नाइट्रोजन लग जाएगा और ये आपका पायरोल का डेरिवेटिव बनेगा। यहाँ भी CH3 लगा दीजिएगा, 2,5 डाई मिथाइल पायरोल बन जाएगा। और अगर इसको हम लोग सल्फर के किसी कंपाउंड के साथ में गर्म कर देते हैं, जैसे P2S5 के साथ में हीट कर दें, तो फिर हमें, अब आप समझ गए होगे ना, सल्फर के साथ जब हीट करना है तो फिर सिंपल सा हमें सल्फर वाला ही कंपाउंड मिलेगा, ये भी आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर सल्फर वाला कंपाउंड आपको जानकारी में है कि थायोफिन मिलेगा। तो आप लोग लाइव में है, जरा समझ में आ रही बात आपको क्या करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ 2,5 डाई मिथाइल तो है ही, और 2,5 डाई मिथाइल है ही, बाकी आपको थायोफिन नाम भी आपको पता लग गए। चलिए अब नाम लिखने के लिए थोड़ा समय से ऊपर कर लेता हूँ, नाम भी अगर चाहो तो लिख देता हूँ, आप अगर हाँ हूँ करेंगे तो नाम लिख दूंगा। ये हो गया आपका 2,5 डाई मिथाइल फ्यूरॉन हो गया, फ्यूरॉन हो गया, ये 2,5 डाई मिथाइल पायरोल हो गया, और ये हो गया 2,5 डाई मिथाइल। अब आपको समझ में आ गया ना, डाई मिथाइल थायोफिन हो गया, थायोफिन। तो ये रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको भाई बोला है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कंपाउंड जो मिला है, ये स्टार्टिंग मटेरियल पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग मटेरियल इसका कौन सा है, तो स्टार्टिंग मटेरियल 2,5 हेक्सेन डाइओन से सभी चीजें मिलती हैं, ठीक। इसके बाद इनको क्या करना है, जो कंपाउंड है इन्हें हीट करके इनको मिथाइल ग्रुप इनका ऑक्सीडाइज करा दो, जैसे मिथाइल ऑक्सीडाइज कराओगे बन जाएगा सिंपल। तो एक पालनोर मेथड आप जरूर पढ़ के चले जाइए, जब आपने कहा है तो मैंने बता ही दिया है। चलिए अब हम लोग पायरोल से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज की, जनरल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। देखो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी पायरोल की है कि ये बेसिक होता है। अगर बेसिक नेचर की देखें तो इनका नेचर कैसा है पायरोल का, पायरोल का नेचर जो है वो पायरोल इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर में होता है, बेसिक नेचर होगा। और इसका बेसिक नेचर जो होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसको अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पायरोल का, तो फिर आप जान रहे हैं कि पायरोल के पास में एक लोन पेयर है लेकिन वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो बेसिक करेक्टर भी है ना, तो कम है, ये बात भी आप ध्यान देना, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बना लेते हो तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो अल्फा पोजिशन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है मेनली अल्फा पोजीशन पर होता है, ये बात भी ध्यान देना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ाया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन पर ज्यादा होगा क्योंकि उसके रेजोनेंस ज्यादा बनते हैं, और अल्फा पोजीशन आपकी ये दोनों अल्फा हैं और ये वाली पोजीशन आपकी बीटा पोजीशन होती है, इनके रेजोनेंस से आप इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग इनकी रिएक्टिविटी को देखें तो रिएक्टिविटी को अगर हम लोग देखते हैं तो रिएक्टिविटी में दीक्षा बता सकती हूँ कि पायरोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पायरोल सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्यूरॉन आ जाता है, फ्यूरॉन के बाद थायोफिन आ जाता है, और थायोफिन के बाद में आपका बेंजीन आ जाता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पायरोल, देन फ्यूरॉन, देन थायोफिन, देन बेंजीन, ये हो गया आप इसका कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाता है। तो पूरी क्लास आज 2 घंटे में मैं इसको बिल्कुल फाइनल कर दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक, ये बात। अब अगर हम इनको एक चीज और भी ध्यान दें, है ना, और भी ध्यान दें कि अगर इन पे क्वेश्चंस कहीं पर भी आते हैं तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो कंपैरेटिविटी देखी जाती है ना। एरोमेटिक कंपाउंड एमीन्स हैं, फिनॉल्स हैं, उनसे ही हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं ये कंपाउंड। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं बार बार इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। अब आ जाइए इनकी रिएक्शंस, मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो अल्फा पोजीशन पर मेनली होता है। कहाँ पर होता है? अल्फा पोजीशन पर होगा, तो ये बात आप ध्यान रखना है अल्फा पोजीशन पे होने के लिए। अब मैं बात करता हूँ इनकी जो कंपाउंड है अल्फा पोजीशन पर, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं बताऊंगा, बाकी रिएक्शंस आपको पीडीएफ के नोट्स में मिल जाएंगी। लेकिन जो यूपी पीजीटी के लिए है उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनके लिए क्लास एक बार फुल क्लास है हेट्रोसाइक्लिक के लूंगा। अभी मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ज़रूरत ये है कि भाई हमारा सर इसमें जो बिहार स्टेट में आ जाए उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो उनको अभी मैं ध्यान में दे करके चल रहा हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप परेशान नहीं होइएगा, नहीं सोचो सर आपने कुछ छोड़ दिया, छोड़ूंगा कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसमें एक नाइट्रेशन है। ये ज्यादा पूछी जा सकती है कि नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन में क्या होगा। नाइट्रेशन लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और इसमें HNO3 तो लेना ही पड़ेगा, साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि पोजीशन जो कंपाउंड है वो आपका कहाँ बनेगा, वो सेकंड नंबर पर, यानी कि अल्फा पोजीशन पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन की बात कर लीजिएगा। अगर आप इसका सल्फोनेशन कराते हैं तो यहाँ पर सल्फोनेशन लिख देना, सल्फोनेशन। तो जितनी भी रिएक्शन है सब अल्फा पोजीशन पर चलेंगी, तो ये वाली रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा, जितनी भी अल्फा पोजीशन की रिएक्शन है। मैं नोट्स डालूंगा तो वहां पर भी आपको दिखेगा, ये SO3H यहाँ लग सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ कर पर भी है, लेकिन ये रिएक्शन जो बना रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप एक स्टार नोट कर लीजिए और इस रिएक्शन को पढ़िएगा। जब हम लोग रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे, I2 से और NaOH से, मतलब आयडोफॉर्म जैसी कंडीशन पैदा होती, तो उस समय हर जगह आपका आई लग जाता, जितने भी हाइड्रोजन है वो सब रिप्लेस हो जाएंगे, और रिप्लेस होने के बाद यहाँ भी आई लगेगा, यहाँ पर भी आई लगेगा, यहाँ पर भी आई लगेगा, टेट्रा आयडो कंपाउंड बनता है, यानी कि 2, 3, 4, 5, यानी कि सभी जगह पोजीशन पे लग गए ना, 2, 3, 4, 5 टेट्रा आयडो, टेट्रा आयोडो हो गया, टेट्रा आयडो, बाकी पायरोल है तो यहाँ पर पायरोल आप लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरीके से इस रिएक्शन पर फोकस कर लीजिएगा थोड़ा सा, और इसी तरीके से क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन सेम होगा। तो यहाँ पर मैं क्लोरीनेशन में S2Cl2 से कराऊंगा, तो ये क्लोरीनेशन होगा। बताओ क्लोरीनेशन में कहाँ कहाँ जुड़ेगा, कहाँ कहाँ जुड़ेगा। और ब्रोमिनेशन अगर कराता हूँ तो Br2 से कराना पड़ेगा, और ये कंपाउंड थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ये होगा आपका ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन में भी सेम कंडीशन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल दोनों की तरफ ऐसे कंपाउंड बना देता हूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। ये N हो गया, ये H हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर मैं X लगा देता हूँ, यहाँ पर भी X लगा देता हूँ, यहाँ पर भी X और यहाँ पर भी X लगा देता हूँ, और X इज इक्वल टू या तो Cl होगा या फिर Br होगा, नाम वैसे ऊपर की तरह आप रख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर CO2 से रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड से, अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रेशर भी आपको लेना पड़ेगा, तो आपका जो कंपाउंड बनने वाला है वो कंपाउंड वही सेकंड पोजीशन पर C डबल, इस रिएक्शन का नाम अगर कोई बताएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर आपका N हो गया, यहाँ पर H हो गया, और यहाँ COOH हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम अगर आपको याद है तो याद होगा, कोलबे रिएक्शन के नाम से जानी जाती, कोलबेज की रिएक्शन कहलाती है। इसी तरीके से सब रिएक्शन चलेंगी, एक की पढ़ाऊंगा बाकी की आप रिएक्शन समझेंगे ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने आगे बढ़ा, HCN से रिएक्शन करा दी और साथ में ले लिया मैंने SCL, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कंपाउंड इस तरीके से आ गया,
ये एन हो गया, ये एच हो गया, दीक्षा समझ में आ रहा है, यहां पर हो गया आपका सी एच ओ। इस रिएक्शन का नाम गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ये गेटरमैन कौन सी कहलाएगी? गेटरमैन, गेटरमैन्स एल्डिहाइड बना ना, तो गेटरमैन्स कोच रिएक्शन कहलाती है। गेटरमैन्स कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़ना नहीं है इस रिएक्शन को, ये भी बात ध्यान देना। इसके आगे कुछ रिएक्शंस और हैं जिनको मैं बता दूं आपको। चलिए बस इतने में काम हमारा चल जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनको और जरा फोकस कर लेते हैं। एक तो एक रिएक्शन है हाउवेन हॉस्ट रिएक्शन, ये भी पूछी जा सकती है। हाउवेन हॉस्ट रिएक्शन, तो हाउवेन हॉस्ट रिएक्शन को अगर आप देखोगे, ठीक है, हाउवेन हॉस्ट रिएक्शन में साइन, मतलब अगर जोड़ना चाहो तो साइनाइड से रिएक्शन करानी पड़ती है। और साइनाइड में कौन होगा, चाहे मिथाइल साइनाइड ले लो चाहे हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, दोनों में से यूज कर लो। हाइड्रोजन साइनाइड लोगे तो फिर कार्बन वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। तो हाउवेन हॉस्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं। हाउवेन हॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे लेना पड़ेगा, ये ऐसे लेना पड़ेगा, और वही पोजीशन वही रहती है, यहाँ पर केवल CO CH3 जुड़ जाएगा। इसका नाम है 2-एसीटाइल हो गया, 2-एसीटाइल आपका, बाकी नाम आपको पता ही है, पायराजोल इसमें लगा ही दोगे, PYROLE, पायरोल हो गया। ये रिएक्शन याद रखना। इसी के बाद आप याद रखना इसका एक रीमर टीमेन रिएक्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रीमर टीमेन, रीमर रीमर टीमेंस रिएक्शन याद रखना, रीमर टीमेन रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है। रीमर टीमेन रिएक्शंस जो होती है वो वहां पर भी वही प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर अभी आप लोगों ने बनाया था, वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा। गेटरमैन में जो बनता है वही रीमर टीमन में बनता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपकी हो गई, यहाँ पर एच हो गया और यहाँ हो गया CHO, ठीक है, CHO हो गया। टू फॉर्माइल जो गेटरमैन कोच में बना था वही यहाँ पर बनता है, तो ये हो गया आपका 2-फॉर्माइल पायरोल बन जाता है, जो वहां बना था वही सेम प्रोडक्ट रहता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। सेम रिएक्शन आपको फ्यूरॉन की है और सेम ही रिएक्शन आपकी थायोफिन की है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बस एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर, कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसी रिएक्शन है जहाँ कुछ दिक्कत आपको महसूस हो, तो आप हमें बताइएगा कि सर इस रिएक्शन में क्या होगा। लेकिन दोनों की थायोफिन फ्यूरॉन दोनों की सभी की रिएक्शन लगभग और लगभग सेम है। एक इसमें जगह और बची है तो एक आध रिएक्शन बढ़ा ही देता हूँ, गड़बड़ ना हो, मर्क्यूरेशन बढ़ाए दे रहा हूँ, जगह भी भरपूर है, तो यहाँ पर मर्क्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, मर्क्यूरेशन रिएक्शन। और मर्क्यूरेशन में होगा क्या, मर्क्यूरेशन में जो है वो आप एसिटिक एसिड ले लीजिएगा, एक तो CH3COOH लेना पड़ेगा, और मरकरी का कंपाउंड लेना, मर्क्यूरिक डाइएसिटेट यूज करते हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस और HG मर्क्यूरिक डाइएसिटेट। तो यहीं पर जहां सेकंड पोजीशन है तो सेकंड पोजीशन पर, चलिए अब मैं ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पर NH लिख देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ कंपाउंड HGO, और यहाँ हो गया आपका डबल ओ हो जाएगा ना, HGOOCOCH3 हो जाएगा, HGOO मर्क्यूरिक एसिटेट 1, 2, और यहाँ CH3 हो जाएगा, ऐसे होगा 1, 2, 3, 4, ठीक, मर्क्यूरिक एसिटेट आप बना लेना। तो इसमें आप 2-एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक पायरोल के नाम से ये जाना जाएगा, ठीक है। तो इतना तो सभी तीनों रिएक्शंस कायदे से आप पढ़ लेना, इसमें किसी भी रिएक्शन में दिक्कत लगेगी, अभी मैं जब आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहां पर हमें पूरी रिएक्शन भी आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि वहां पर मैं रिएक्शन ना समझाऊं, लेकिन कुछ रिएक्शन हटके अगर पूछी जाए तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे अब देखिए मैं एक रिएक्शन आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने पायरोल लिया, ये रिएक्शन पायरोल लिया मैंने, यहाँ पर पायरोल लिखा, बताओ कोई लोग भी बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये मैंने पायरोल लिया। अगर मैं पायरोल को रिएक्शन कराता हूँ जिंक के साथ और एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH के साथ में रिएक्शन कराता हूँ और हाइड्रोजन इसमें जोड़ देता हूँ, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कंपाउंड जो मिलेगा आपको वो कंपाउंड होगा NH होगा, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
टू फाइव डाइहाइड्रोपायरोल बना। लेकिन अगर यही आपने निकिल के साथ में हीट कर दिया, ज्यादा अमाउंट ले लिया और हाइड्रोजन पास कर दी, देखो ध्यान से, तो अंदर के सभी बॉन्ड गायब, अंदर के दोनों सभी बॉन्ड गायब हो जाएंगे, यानी कि ये सब बेचारा नंगा हो गया, ये कंडीशन बन जाएगी। ये पायरोलिडीन कहलाती, मैंने अभी आपको लिखा था, पायरोलिडीन के नाम से जानी जाती है। ये आपका पायरोल हो गया, ये आपका पायरोल हो गया, इस कंपाउंड का 2.5 डाइहाइड्रोपायरोल हो गया। भाई 2.5, ये 2.5 डाइहाइड्रो, दो जगह जुड़ा है ना, डाइहाइड्रो पायरोल हो गया। ठीक, बात आ रही समझ में? तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ऑटोमेटिकली, ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाती, क्या कहलाती, हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर मैं हाइड्रोजिनेशन लिखे ही दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे, हाइड्रोजिनेशन। देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर इतना पढ़ के जाओगे तो जितने भी बिहार में पिछली बार सिलेक्शन है वही सिलेक्शन सेम रहेंगे, 62 पढ़ाए 45 सिलेक्शन हुए। तो इसी तरीके से आप भी हम पर भरोसा पूरा बनाए रखिए, मतलब बिहार वालों से कह रहा हूँ, बाकी यूपी का तो भगवान ही मालिक चल रहा है इस समय, है ना, सुन ही नहीं रहे, पेपर भी आउट करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं हम बिल्कुल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ हो नहीं सकता है। ये हमने फ्यूरॉन लिया और फ्यूरॉन में जब हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पास की तो रहने निकल की प्रेजेंस में पास करिए, बेचारा ये भी अंदर से कपड़े उतार देगा अपने, और जब अंदर से कपड़े उतार देगा तो आपको THF दिखाई देने लगेगा, दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बन जाएगा। इसी तरीके से थायोफिन में भी कर सकते हो आप, थायोफिन में भी यही कंडीशन कर सकते हो आप। थायोफिन की रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये मैं यहाँ पर सल्फर ले लेता हूँ, ये मैंने थायोफिन लिया, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने थायोफिन लिया। ठीक, थायोफिन को अगर आपने हाइड्रोजन एक्सेस पैलेडियम की प्रेजेंस में और ज़्यादा हाइड्रोजन पास कर दी, हाइड्रोजन एक्सेस में डाल दिया आपने, तो फिर अंदर सब मामला साफ हो जाएगा, यानी कि केवल सल्फर ही सल्फर बचे। भाई एक्सेस का मतलब ही वही, सिंपल यही बचा, है ना, टेट्राहाइड्रोथायोफिन बोल दीजिएगा। लेकिन आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया और निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास की तो रिंग ओपन भी हो सकती, यानी 1, 2, 3, 4, है ना, 4, यानी कि रिंग ओपन हो जाएगी, डीसल्फोनेशन बोलते हैं इसे, डीसल्फोनेशन बोलते हैं, ध्यान देना। ये रिएक्शन आप बहुत सारी कोचिंग्स में जाओगे ना तो वहां पर ये सब हेट्रो वेट्रो वाले कंपाउंड तो बुक उठा करके बता देते हैं कि भैया बुक में ये दिया है, हम नोट्स दे देंगे, पढ़ लेना। बस CSIR नेट वाले लोग ही केवल पढ़ाएंगे, बाकी नहीं पढ़ाएंगे, सब मैदान साफ करके चले जाएंगे। इसका ऑक्सीडेशन करा दो, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, है, इसके बाद यहाँ पर चले आओ और इनके ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे और ये ऐसे कर दो। इस कंपाउंड का नाम कोई बताएगा, सल्फोन बोलते हैं इसे, सल्फोन बोलते हैं, सल्फोन इंपॉर्टेंट है, सल्फोन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस मैंने जो आपको बताई, एक तो एक बात और ध्यान रखना कि पायरोल बेसिक तो है, लेकिन जब बेसिक है तो वीकली एसिडिक भी माना जाता है, पायरोल का नेचर वीकली एसिडिक भी है। बेसिक तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन बेसिक का कंपैरिजन ये कि वीकर बेस देन पायराडीन माना जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि पायरोल जो है, पायरोल फ्यूरॉन और थायोफिन की अपेक्षा वीक बेस भी माना जाता है, ये बात भी ध्यान देना। अगर बेसिक नेचर को काउंट करोगे, मैंने अभी शुरुआत में क्लाइंट बोली थी इसका लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर स्टार बना करके नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए कि पायरोल अनलाइक फ्यूरॉन एंड थायोफीन इज वीकली एसिडिक। जब वीकली एसिडिक, वीक बेस होगा तो मतलब एसिडिक करेक्टर तो बढ़ना ही बढ़ना निश्चित है, वीकली एसिडिक होता है, ये बात भी आप याद रखना, नहीं तो पता लगा कंपैरिजन किया जाए तो फिर दिक्कत आ जाए कि अगर आपसे पूछा जाए इसमें बेसिक नेचर ज़्यादा किसका होगा, तो फिर थायोफिन का बेसिक नेचर फिर ज़्यादा निकल करके आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पर बेसिक नेचर थायोफिन का ज़्यादा निकल के आता है, लोन पेयर जो है वो इन्वॉल्व तो हो रहा है, लेकिन भाई एरोमेटिक सेक्सटेट जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे ना। तो अब अगर हम लोग बेसिक नेचर को देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, देखो अगर हम लोग एरोमेटिक तीनों कंपाउंड बना देते हैं, ये हमने बनाया सबसे पहले
ये क्वेश्चन आया भी था, ये हमने बनाया, ये कंपाउंड बनाया, ये हमारा थायोफिन हो गया। थायोफिन का जो लोन पेयर है वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा एरोमेटिक सेक्सटेट में, एक बाहर दिखाई दे रहा है, इसके वीक इलेक्ट्रॉन निगेटिव पावर है। लेकिन ये ज्यादा बेसिक माना जाएगा एज कंपेयर टू फ्यूरॉन आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्यूरॉन आ गया, फ्यूरॉन आ गया क्योंकि इसका भी लोन पे इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ज्यादा है। और उसके बाद हम लोग क्या करें, इन तीनों को कंपेयर कर लें, इन तीनों को कंपेयर करें तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पायरोल लाना पड़ेगा। यानी इन दोनों में तो ये कंडीशन चलेगी, ये हो गया मोर बेसिक हो गया, और ये हो गया आपका लेस। चलो तीनों एक साथ लिख देता हूँ, हटाओ झंझट, ये अलग अलग करने से अच्छा है तीनों एक साथ लिख दूँ। यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं ले आता हूँ फिर अब पायरोल को, अब मैं यहाँ पर पायरोल को ले आता हूँ, तीनों एक साथ लिख दे रहा हूँ। अब मोर और का हटा दो, ऑर्डर बना देता हूँ इसे, ये हो गया। इसके बाद हम ले आते हैं फ्यूरॉन को, चेक कर लेना, इसके बाद आ जाएगा आपका फ्यूरॉन का नेचर आ जाए, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, सही है, कर सकते हैं ना आप इसे। अब एक चीज और ध्यान देना कि पायरोल जो फ्यूरॉन है वो एक्चुअल में प्रोटोनेटेड होते हैं सॉल्यूशन में, इसीलिए आपको एरोमेटिक सेक्सटेट में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। थायोफिन जो होता है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, उसका एक लोन पेयर जो है बाहर रह जाता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर है। एरोमेटिक करेक्टर तो है इसमें, एरोमेटिक करेक्टर तो ज़्यादा है, ये तो निश्चित है। ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक करेक्टर ज़्यादा किस में, तो बताना पड़ेगा कि एरोमेटिक करेक्टर तो सबसे ज़्यादा फ्यूरॉन में ही, वो थायोफिन में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि उसका वीक इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर होने की वजह से वो इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला लोन पेयर इन्वॉल्व हो जा रहा है डीलोकलाइजेशन के अंदर। तो ये बात आपको अपने दिमाग में फीड करनी पड़ेगी। ठीक है, रविकांत तृप्ति मिश्रा जी, समझ में आ रही मेरी बात, नहीं समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग देखें फ्यूरॉन और थायोफिन के रेजोनेंस हाइब्रिड को अगर नोट कर पा रहे हैं, तो थायोफिन और फ्यूरॉन के अंदर जो है वो आपको सेक्सटेट जो है वो कंप्लीट होता हुआ इसलिए दिखाई देगा, थायोफिन में ज़्यादा दिखाई देगा और फ्यूरॉन में थोड़ा कम दिखाई देगा, इसीलिए इसका बेसिक करेक्टर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाता है और पायरोल का बेसिक करेक्टर थोड़ा सा कम हो जा रहा है। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इम्पॉर्टेंट है। तो सिंपली अगर हम ये कह देते हैं कि एरोमेटिक सेक्सटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक करेक्टर, जबकि अगर मैं देखना चाहूँ कि तो पायरोल का लोन पेयर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये बेसिक करेक्टर बहुत कम शो करता है, बहुत कम शो करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो आपका थायोफिन ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट लग रहा है, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, कोई डाउट अगर आपको लगता है। मनु ने पूछा है ये ऑर्डर एरोमेटिसिटी और बेसिसिटी दोनों के लिए शो करेगा, तो मनु मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं एरोमेटिक करेक्टर की अभी बात कर रहा हूँ, बेसिक करेक्टर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान दो। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया मोर एरोमेटिक हो गया, ये हो गया लेस एरोमेटिक क्योंकि इसके कंपेयर में, और ये हो गया वेरी लेस। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा, बाकी और भी चीजें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे बाद में, अभी एक्चुअल में थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि इन लोगों को भी एग्जाम है, तो इनके ख्याल में रखते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं जो इनको जरूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि इन्हीं कंपाउंड्स में अगर हम लोग एक चीज और भी जान लें कि एक होता है सिक्स मेंबर्ड रिंग के कंपाउंड, सिक्स मेंबर्ड रिंग के कंपाउंड में अगर आप चले जाएंगे तो सिक्स मेंबर्ड रिंग के कंपाउंड में आपको दिखाई देने लगेगा एक कंपाउंड जिसका नाम है पायरेडीन।
यहाँ पर हम लोग पायरेडीन की बात कर लेते हैं। और पायरेडीन जो है, अभी मनु जी हम लोग बेस मेनली बीपीएससी वो बिहार स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने डिस्कशन किया हुआ है, नहीं तो फिर मैं अलग से आपको कुछ और भी पॉइंट जोड़ूंगा, क्योंकि यूपी पीजीटी में कुछ और भी पॉइंट है, उनको मैं जोड़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए अभी आप घबराइएगा नहीं, नहीं सोचिएगा अभी पूरा नहीं, मतलब ये इसमें से थोड़ी चीज़ें मैंने बचा के रखी हुई हैं, वो आपको पर्टिकुलर डिस्कशन में आपसे करूंगा। तो ये मैंने पायरेडीन बनाया। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि पायरेडीन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, तो बिल्कुल 100% श्योर है कि इसका लोन पेयर जो है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर मैं पायरेडीन को बेसिक बोलूँगा, तो पायरेडीन का बेसिक करेक्टर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोन पेयर इसका जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं इसमें बोल सकता हूँ इट इज मोर बेसिक देन पायरोल। यहाँ पर पायरोल कम बेसिक हो जाएगा, तो पायरोल का लोन पेयर आप देख ही रहे कि अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, अभी आपके पास पूरा साल है, बैच आपका पूरे साल के लिए है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। पोजीशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो पोजीशन मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई है, दोबारा भी पोजीशन को बताए दे रहा हूँ। जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो आज के क्लास में कंप्लीट करूंगा। अल्फा यहाँ लेता हूँ, बीटा यहाँ लेता हूँ, अल्फा यहाँ लेता हूँ, बीटा यहाँ लेता हूँ, और उसके बाद हमारा हो जाता है यहाँ पर ये गामा पोजीशन हो जाती है। नंबर को भी अगर जानना चाहो, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये टोटल हो गया। सॉरी, मैंने नंबरिंग 1 से नाइट्रोजन से करनी थी, ध्यान नहीं दिया, नाइट्रोजन से नंबरिंग करनी थी। 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, और 6 यहाँ पर पोजीशन आएगी। ये पोजीशन इस तरीके से चलेंगी, इनको ध्यान दीजिएगा। इनमें एक आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि इसका बेसिक करेक्टर पर क्वेश्चन आ सकता है कि पायरेडीन इज बेसिक इन नेचर, और बेसिक नेचर इस बात से भी रिप्रेजेंट होता है कि इसका लोन पेयर बाहर लटका हुआ है, बेचारा अंदर रिंग में इन्वॉल्व नहीं करता है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड हमारे साथ में ये है, ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक कंपाउंड ये है, इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा, बताएंगे आप, इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा। एक पेपराइडीन मैंने बना दिया, और एक आपका मैंने बना दिया पायरेडीन, दोनों में बेसिक कौन होगा। सेकेंड वाला ज़्यादा बेसिक होगा, कारण ये कि यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये मोर बेसिक हो जाएगा। ये हो गया आपका मोर बेसिक, ये बात आप ध्यान देना। ये हो गया आपका लेस बेसिक, यहीं पर यही पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये भी बता दे रहा हूँ कि जितनी भी रिएक्टिविटी इसकी पोजीशन की है, इसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जा रही है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जा रही है इसके अंदर, ये चीज भी आप ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि अवेलेबिलिटी लोन पेयर की यहाँ पर ज्यादा है। वेरी गुड रविकांत जी, ऐसे ही आप लोग बोलते रहोगे बीच बीच में, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता रहेगा। एक बात और ध्यान देना कि जितनी ये पोजीशन, इसकी बीटा पोजीशन ज्यादा एक्टिवेट होती है ना, अगर हम लोग देखें ध्यान से इस बात का, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसकी बीटा पोजीशन पर हमेशा अटैक होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो बीटा पोजीशन पर होता है, तो नोट करके यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट बीटा पोजीशन।
बीटा पोजीशन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ पर होगा, बीटा पोजीशन पर होगा। तो जितने भी कंपाउंड बनेंगे बीटा पोजीशन से बनाइएगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ये मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया पायराडीन। देखो ध्यान से पढ़ा रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगे, दोबारा मैं फुल जब पढ़ाऊंगा आपको तब भी आपको, फुल का मतलब है कि कुछ चीज़ें लिख करके भी बताऊंगा उस समय, इसलिए आप ये ना सोचना कि बोले हमें सर फुल क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं अगर नाइट्रेशन कराता हूँ कि जो चीज़ जरूरत नहीं वो अगर ये लोग पढ़ लेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा वो, यानी कि मेहनत पूरी हो जाएगी और नंबर उसमें से आने केवल दो ही क्वेश्चन है। ये पोजिशन यहाँ पर तो ये हो गया आपका थ्री नाइट्रो, यानी थर्ड पोजिशन जो है ये हो गया आपका थ्री नाइट्रो पायराडीन हो जाएगा, पायराडीन, थ्री नाइट्रो पायराडीन। ऐसे आप सल्फोनेशन कराओ, ब्रोमिनेशन कराओ, ऐसे करा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक सल्फोनेशन करा देता हूँ, एक ब्रोमिनेशन करा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रोमिनेशन करा देता हूँ, ब्रोमिनेशन कराता हूँ, तो ब्रोमिनेशन में हमारा बी आर जुड़ जाएगा, इस तरीके से बी आर जुड़ जाएगा। रविकांत समझ में आ रहा है, यहाँ पर बी आर जुड़ जाएगा और बी आर में इसका नाम हो जाएगा आपका वही थ्री ब्रोमो पायराडीन हो जाएगा। और एक खास बात है, सल्फोनेशन कराओगे, सल्फोनेशन अगर आप कराते हो तो फिर वही सल्फर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ कुछ रिएक्शंस में ऐसी कोई खास बात है नहीं जो आपको परेशान करे, केवल पोजीशन बीटा याद रखिएगा कि बीटा पोजीशन पर एक्टिवेशन होगा। लेकिन एक खास बात है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये शो नहीं करता है, ध्यान देना, पूछा गया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नो रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, ये बात आप ध्यान देना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पिप्राइडीन शो नहीं करता क्योंकि ये बेस ऑलरेडी है इसका, AlCl3 जो है उसके साथ सॉल्ट बना लेता है, ये मैंने पहले भी समझाया है। तो यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके लिख देता हूँ, पायराडीन डज नॉट अंडरगो, पायराडीन डज नॉट शो, पायराडीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट और रिएक्शन, हाँ, बिकॉज AlCl3 लुइस एसिड है ना, AlCl3 लुइस एसिड, ब्रैकेट में लिख दो लुइस एसिड है ना, कंबाइन विद इट टू फॉर्म सॉल्ट, जैसा कि एनिलीन के केस में होता है वही केस यहाँ पर भी हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान देना कि ये ऐसी रिएक्शन शो नहीं करता, बीटा पोजीशन इसकी ज़्यादा इन्वॉल्व होती क्योंकि उसके रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा पोजीशन के, अल्फा पोजीशन के और गामा के तो बिल्कुल भी अनफेवरेबल है, अल्फा के भी कुछ अनफेवरेबल है, इसीलिए ये कंडीशन पैदा होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक चीची वाविन रिएक्शन भी इसकी पूछी जा सकती है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं रिएक्शन का, तो एक मैं यहाँ पर अलग से चीची वाविन रिएक्शन बताए दे रहा हूँ, याद आई दीक्षा, चीची वाविन रिएक्शन, चीची वाविन रिएक्शन। बाकी लोग भी आजकल प्रैक्टिकल हैं, इन्वॉल्व हैं, सभी टीचर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, तो लोग हमें लग रहा है क्लास ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं लें लेकिन बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं। उनका रीज़न वही कि एग्जामिनेशंस में ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगी हुई। ये हमने पायरेडीन लिया, पायरेडीन के बाद में इसको अगर मैं सोडामाइड से रिएक्शन कराता हूँ, NaNH2 से रिएक्शन कराता हूँ, तो ये कंपाउंड जो इसके साथ जैसे हीट करेंगे ना, तो पोजीशन आपको पता है, अब यहाँ बीटा पोजीशन पर नहीं जाएगा, ये अल्फा पे ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अल्फा पोजीशन, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका नाम हो गया टू अमीनो पायराडीन। अच्छा दीक्षा, ईमानदारी से बताओ, बहुत दिन तुम्हें पढ़ते हुए हो गए, जितने अक्सर चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो चाहे बिहार का एग्जाम हुआ हो चाहे झारखंड का एग्जाम हुआ, कोई क्वेश्चंस आए हैं नहीं आए हैं, जैसे और लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि नहीं साहब क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पता लगा, बहुत सारे बेचारे गलत फहमी में रह जाए कि यार गलत जगह तो नहीं पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। बहुत सारे एग्जाम आपको इस बात का गवाही देंगे कि जो पढ़ाए जाते हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन
आपको मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। अब सिलेक्शन होना ना होना तो इस बात पर भी निर्भर रहता है कि हमारा दूसरा पेपर कैसा हुआ था, सिलेक्शन उस बात पर भी डिपेंड होता है। सिलेक्शन केवल केमिस्ट्री, बोले साहब मैं केमिस्ट्री तो सब आ गई थी लेकिन करें क्या, दूसरी ये इंग्लिश ही नहीं निकल पाई, हमारी जीके नहीं निकल पाई, दिक्कत वहां हो जाती है। तो जीके केमिस्ट्री, जीके भी साथ में अगर आप कंट्रोल करेंगे तो काम बन जाएगा। इसके बाद कंपाउंड एक पढ़ लेते हैं, क्योंकि जीके अगर आप अपनी स्ट्रांग नहीं करेंगे तो फिर आज का समय तो यही है कि भाई जीके की आपको स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल दीक्षा सही कह रहे हो कि जनरल पेपर साइंस वालों की जो जीके होती है बड़ा कमजोर होती है। हमसे भी जब क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि भैया ये बताओ कि आपको जीके कितनी आती है, तो हमने सोच लिया था अब सिलेक्शन खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर जो उन्होंने पूछा वो ईश्वर की कृपा थी, मैंने बता दिया और कोई बात नहीं है। एल्फा बीटा बेंजो पायरेडीन भी बोलते हैं, एल्फा बीटा बेंजो पायरेडीन बोलते हैं, पायरेडीन। और सबसे लंबा इंटरव्यू मैंने पीजीटी का दिया है, ये भी बात मैं आपको बता दूं, लोगों का पीजीटी के इंटरव्यू केवल 5 से 10 मिनट चलते हैं, मेरा 33 से 35 मिनट चला है इंटरव्यू, क्योंकि वो पूछ रहे थे मैं बता रहा था। और वो किसी भी ऐसे क्वेश्चन में मुझे नहीं अटका पाए जो मुझे, मतलब मैं ये हताश होकर नहीं निकला हूँ पैनल से बाहर कि मैं नहीं बता पाया। मैं अल्टीमेट चलते चलते लास्ट में क्वेश्चन एक एक का जवाब दे करके आया हूँ, प्रैक्टिकल से लेकर के उन्होंने मुझसे हर क्वेश्चन पूछा, यानी कि प्रैक्टिकल भी फुल पूछा, जबकि इंटरव्यू मात्र 5 से 10 मिनट चलता था आयोग का, लेकिन मेरा अपना 33 से 35 मिनट चला है। तो इसलिए मुझे अपने ऊपर फक्र है कि भाई मैंने जवाब दिए, अच्छा लगा मुझे, ये हम लोग बोलते हैं। सही कह रही, वो सॉरी बुलवाने का वेट कर रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सॉरी बुलवाने का वेट कर रहे थे, मैं बोला नहीं, और जब मैं बोला नहीं तो अल्टीमेट में यही बोला उनने चलते समय, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग का ध्यान देना, इसमें एक नंबरिंग 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये यहाँ पर 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये पोजीशन नंबर 8 हो गया। इस बात का ध्यान देना, ये पोजीशन आपकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और ये आपकी गामा है। यही अटैकिंग साइट बनेगी, मतलब इस पर ही, इसी रिंग पर अटैक करना है आपको, इसी रिंग पर अटैक करना है। और इसी में एक रिएक्शन जो सिलेबस में है जिसका नाम है स्क्रैप सिंथेसिस, SKRAUPE स्क्रैप्स सिंथेसिस, ये सिलेबस में है तो पढ़ लीजिएगा। इससे बनता क्या है, तो बनता तो आपको पता ही लग गया कि इससे क्या बनता है, नाम ही मैंने ऊपर लिख दिया बड़ा बड़ा, क्या बनेगा। ठीक, चलो ध्यान दीजिएगा, स्क्रैप सिंथेसिस से हम लोग क्विनोलिन का निर्माण करेंगे, क्विनोलिन का निर्माण करेंगे, और साथ ही साथ चाहोगे तो आइसो क्विनोलिन का निर्माण भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो है नहीं सिलेबस में, केवल स्क्रैप सिंथेसिस ही हमें अब पढ़नी है, वो मैं आपको पढ़ाए दे रहा हूँ, वो भी समझ लीजिए। क्लास आज कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्लास आज कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं। स्क्रैप सिंथेसिस देखिए क्या कहती है, इसमें हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, एनिलीन सबसे पहले लेंगे और एक्रोलीन लेंगे, दो चीजें हमें इन्वॉल्व होती, गलती हो तो दीक्षा बताना, गलती कहीं पर हो जाए तो बताना। सबसे पहले तो एक्रोलीन का फार्मूला पता हो, तो ये तो हो गई हमारी एनिलीन, लंबी रिएक्शन है, मिस्टेक हो सकती है लेकिन होने नहीं दूंगा। देखो यहाँ पर ये मैंने लिया एनिलीन, ये कंपाउंड एनिलीन लेता हूँ, और एनिलीन की पोजीशन थोड़ी सी बदलूंगा, कहीं पर भी लगाऊंगा तो एनिलीन ही रहेगा। ये मैंने एनिलीन लिया, NH2 लगा दिया, ठीक, स्क्रैप सिंथेसिस में। तो अब स्क्रैप सिंथेसिस में अगर हम एनिलीन लगाते हैं तो एक्रोलीन को ऐसे लिखें कि हमारी रिएक्शन कंटिन्यू, एक्रोलीन में CHO होता है तो ये मैं CHO ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड ले लेता हूँ और यहाँ पर CH ले लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 लूंगा मैं, तो CH2 भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ। करना मुझे क्या है, ये जो यहाँ देखो, ध्यान दो, समझो बात को, अब होगा क्या कि ये वाला कार्बन हम लाएंगे इस वाले लोन पेयर पर, जब ये लोन पेयर पे लाएंगे तो कंडीशन क्या पैदा होगी वो समझना, ये हाइड्रोजन इसे छोड़ेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से खींचेगा, तो ये लोन पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इस कार्बन नाइट्रोजन से जोड़ देगा, ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इधर पुल कर देगा, जैसे ही पुल करेगा इसे हम लोग एक
नाम देते हैं 1.4 एडिशन। 1.4 एडिशन जब कराएंगे तो फिर कंडीशन अब आपकी धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, यहाँ से नाइट्रोजन अब आपका जुड़ा, नीचे हाइड्रोजन एक रह गया, यहाँ पर आपका ऑलरेडी CH2 है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, यानी कि ये बॉन्ड आपका ट्रांसफर हुआ, तो ये वाला सिंगल हुआ और ये वाला बॉन्ड अब आपका डबल हुआ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड डबल हुआ और आगे ये वाला H जो यहाँ से H निकलेगा ना, वो इस वाले O पे जुड़ेगा, तो इसका मतलब इस पर हम लिख सकते हैं OH। इस तरीके से ये स्टेप हो गई, इसको हम लोग टॉटोमेराइज करा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं टॉटोमेराइजेशन। दीक्षा सही चल रही है? टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन मैंने लिख दिया। टॉटोमेराइजेशन जैसे ही कराएंगे तो टॉटोमर बना दो, सब हटा दो, यहाँ बॉन्ड हटाओ और आगे CHO कर दो वापस उसे। तो ये कंपाउंड हम ऐसे बनाए, ध्यान देना जरा, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। ये हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ पर NH को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जब टॉटोमराइज कराएंगे, बॉन्ड हटाएंगे, तो ये भी CH2 रह गया। ठीक है, ये भी CH2 हो जाएगा, बॉन्ड हटा, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया हमारा CH, और डबल बॉन्ड आपका हो गया O। ठीक, डबल बॉन्ड O हो गया। अब जैसे ही डबल बॉन्ड O हुआ तो इसका मतलब H पॉजिटिव आयन जोड़ करके, H आयन जोड़ करके हम लोग CHO आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसे आगे इधर कंटिन्यू कर लें, चलो इधर कर लेते हैं। इसमें हमने क्या काम किया, इसमें एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन डाल देते हैं। जैसे हम प्रोटोनेशन इसका कराएंगे तो अब यहाँ पर फिर वापस वही कंडीशन पैदा होगी कि प्रोटोनेशन का इसमें जब एड, यानी एच पॉजिटिव यहीं पर तो जुड़ेगा, जब यहाँ जुड़ेगा तो नेक्स्ट स्टेप जो बन करके आएगी वो ये आएगी। देखिए ये बना कंपाउंड, थोड़ा सा हटके बनाना पड़ेगा, स्क्रैप सिंथेसिस थोड़ी सी टिपिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगती, वैसे है नहीं। ये लिया हमने, ये लिया ऐसे, यहाँ NH बना लेता, समझने का बस केवल फेर होगा, यहाँ पर CH2 एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पर भी CH2 एज इट इज लिखूंगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यहाँ पर कार्बन से एक डबल बॉन्ड O हम दिखाएंगे और एक यहाँ पर H दिखाएंगे, और ये वाला H पॉजिटिव जो आ रहा है, ये H पॉजिटिव जब हम दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये H पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर के जब अटैक करेगा तो इस अटैकिंग कंडीशन पर ये नहीं, यहाँ पर OH भी करना पड़ेगा ना, H पॉजिटिव जोड़ोगे तो OH करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, नहीं गलत हुआ, कुछ यहाँ पर गलती हुई, कुछ यहाँ पर गलती हुई, यानी कि H पॉजिटिव जोड़ेंगे तो H पॉजिटिव तो यहाँ जुड़ेगा ना, जब यहाँ जुड़ेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे कंडीशन रहेगी और इसमें एक एच ऑलरेडी लगा हुआ, ऐसे कर दो, ये ज़्यादा बेटर है, बेटर क्या, यही बनेगा ही। अब हम लोग क्या करें, साइक्लाइजेशन करा देते हैं। साइक्लाइजेशन जब कराएंगे तो साइक्लाइजेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्डिंग पूरी होगी तो ये रिंग हमारा लगभग और लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। ये CH2 हुआ, ये CH2 हुआ, ये आपका C हुआ, एक तरफ H जुड़ा है, एक तरफ हमारा OH आ जाएगा। इसे आप हीट कर दीजिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, वाटर को निकाल दीजिए। जैसे ही आप वाटर को निकालेंगे तो कंपाउंड हमारा लगभग कंपाउंड आधा पूरा हो जाएगा। बोले सर कहाँ चक्कर लगा रहे हो, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्बिटल में चक्कर नहीं लगाते हैं, वैसे लग रहा है। यहाँ पर आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे ही रहा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एक स्टेप और चलेगी आगे, ये इसके आगे एक और चल लेते हैं, एक स्टेप और कैसे चलेंगे वो समझिएगा। इसका हम ऑक्सीडेशन जैसे ही कराएंगे तो बचा हुआ हाइड्रोजन H2O करके निकाल दीजिएगा, तो ये ऑक्सीडेशन करा लीजिए, और ऑक्सीडेशन एक्चुअल में नाइट्रोबेंजीन के साथ में होता है, नाइट्रोबेंजीन के साथ में होता है, और जैसे ही इसका कराएंगे तो सीधा सीधा आप क्विनोलिन बना देना, तो यहाँ पर आप क्विनोलिन बना दीजिएगा इस तरीके से। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत लगे हो तो आप बता सकते हो, बस केवल यही साइक्लाइजेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि साइक्लाइजेशन में ही जो एच है वो एक रिलीज भी होगा, एक एच रिलीज भी होता है, तो माइनस का एच यहाँ पर पॉजिटिव करना पड़ेगा, माइनस का एच पॉजिटिव साइक्लाइजेशन में करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी हमारी ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कंपाउंड में। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन पढ़ लीजिएगा।
अब दूसरी चीज और भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्विनोलिन को हम लोग फ्रेडलैंडर सिंथेसिस से भी कराते हैं, लेकिन फ्रेडलैंडर सिंथेसिस आपके सिलेबस में है नहीं, और क्विनोलिन जो होता है ये इसका नेचर भी बेसिक होता है, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो एक रिएक्शन रिडक्शन वाली मैं इसकी और बता दूँ, बाकी आपको इस सिंथेसिस ही केवल है, तो यहाँ लिख देता हूँ रिडक्शन ऑफ क्विनोलिन कर देता हूँ, क्विनोलिन रिडक्शन पढ़ लीजिएगा, ये रिडक्शन इसलिए क्योंकि अक्सर ये आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी रिडक्शन मतलब दो चार एग्जाम में आया है, फिलहाल बिहार स्टेट में आने की संभावना इसकी कम ही मुझे दिखाई देती है। नाम पूछा जाता है स्क्रैप सिंथेसिस में, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा कि स्क्रैप सिंथेसिस से क्या बनाते हैं, इतना ही पूछा जाएगा बिहार स्टेट में, बिहार स्टेट का पेपर टिपिकल नहीं आता है। यहाँ पर अगर हम लोग निकल के साथ में हाइड्रोजनेशन करा देते हैं तो अंदर सब साफ हो जाएगा, इधर वाला रिंग साफ मतलब इधर वाला रिंग ना छेड़ना, ये बेंजीन वाला रिंग आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करिएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बेंजीन का रिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान देना है आपको। ये आपका क्विनोलिन हो गया, ये क्विनोलिन हो गया, और ये वन कॉम ये हो गया 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 चार हो गए ना, टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन लिख दीजिएगा, टेट्रा हाइड्रोक्विनोलिन हो गया इधर वाला। और अगर आप इसे प्लेटिनम के साथ में कराएंगे तो यहाँ प्लेटिनम के साथ में कराओ, साथ में ले लो आप एसिटिक एसिड, तो मैदान साफ है, दोनों बेचारे नंगे, ठीक है, हमाम में सभी नंगे, तो यहाँ पर हो गया इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। तो ये पूरा हो गया आपका डेका, 10 हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच बीच में एक 9 10, तो यहाँ इसका मतलब हो गया डेका हाइड्रो है ना, क्विनोलिन तो लिखोगे ही लिखोगे, क्विनोलिन, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज, सारा डबल बॉन्ड खत्म, वेरी गुड गुड़िया। अब एक चीज पे और आओ, एक चीज और आपको ध्यान देनी, ये निकोटिनिक एसिड भी पूछा गया है, तो क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन से निकोटिनिक एसिड बन जाता है, ये भी पूछा गया, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जो चीजें जरूरत है बता दे रहा हूँ, बाकी भगवान आपका भला जरूर करेगा। तो ये मैंने आपका क्विनोलिन लिया, यहाँ पर मैंने क्विनोलिन ले लिया, और इस क्विनोलिन में अगर मैंने ऑक्सीडेशन कराया एसिडिक केमनोफोर से, तो यहाँ पर केमनोफोर जो लेना है वो एसिडिक मीडियम वाला लेना है, तो ये बनता है सबसे पहले क्विनोलिनिक एसिड बनेगा, यहाँ पर एन ये वाला रिंग रप्चर हो जाएगा, ध्यान देना बेंजीन वाला रिंग रप्चर करना, ये सी डबल ओ एच हो गया, ये सी डबल ओ एच हो गया, ये आपका हो गया क्विनोलिनिक एसिड। ठीक है, क्विनोलिनिक एसिड हो गया, और उसके बाद आप पढ़ा तो मैं ज्यादा दे रहा हूं, बात यह है कि ये ना कहना ये वाले बिहार वाले लोग कि सर आपने कंजूसी कर दी, नहीं पढ़ाया ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वैसे इतना नहीं पूछेगा ये मुझे पता है। निकोटिनिक एसिड आएगा, निकोटिनिक एसिड इससे पूछ सकता है, और निकोटिनिक एसिड में यहाँ पर सी डबल ओ एच केवल एक ही बचेगा, तो ये आएगा, इसको ध्यान दे लीजिएगा। बाकी फ्रीडल क्राफ्ट ये भी शो नहीं करता है, नोट कर लेना यहीं पर, इसकी पोजीशन कौन सी रहेगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 1 2 3 4 5 पोजीशन पर जाती है, फिफ्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक जाती है, और फिर 5 6 7 8, 5 और 6 पर इलेक्ट्रोफिलिक होती है अधिकतर, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं, पढ़ना है इट डज नॉट शो, इट ऑल्सो डज नॉट शो क्या लिखने जा रहा था समझ में नहीं आया, डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट और रिएक्शन, सेम कंडीशन यहां पर भी है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी शो कर लान कि भाई क्विनोलिन भी ये रिएक्शन शो नहीं करता है, ये बात भी ध्यान देना। आइसो क्विनोलिन का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कि इसमें पोजीशन बदल जाती केवल, यानी कि आइसो क्विनोलिन और आइसो क्विनोलिन में
आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। यहां पर आ जाएगा ये एन, तो ये कंपाउंड हो गया आपका आइसोक्विनोलिन का। ठीक, नंबरिंग की कंडीशन यहीं से चलेगी, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पर 8 पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, और ये भी बात ध्यान देना कि ये जो रिंग का सिस्टम है, ये एल्कोलाइड जैसे पापावरीन का स्ट्रक्चर होता है उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर माना जाता है इसको। 4,5-बेंजोपायरेडीन भी बोलते हैं इसे, 4,5, इसको हम लोग 4,5, 4,5 पोजीशन पे जुड़ी, 4,5 बेंजो बेंजो पायरेडीन भी बोलते हैं, पायरेडीन भी बोलते हैं, पायरेडीन ये नाम भी इसका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें एक चीज और याद रखना, बिल्कुल सही बात है अमित कुमार उपाध्याय, इसमें एन से बॉन्ड, एन से काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग हमेशा काउंटिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नाइट्रोजन से काउंटिंग स्टार्ट नहीं किया गया है। इस बात का आपने बिल्कुल सही जगह पे टोका है, और जरूरत जहां होनी चाहिए वहां टोका भी है, कायदे से सही जगह पे टोका है। सुन लीजिए कि क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखिए, जो क्विनोलिन थी उसमें नाइट्रोजन सबसे नीचे लगा हुआ था, बिल्कुल तृप्ति समझो, नाइट्रोजन नीचे लगा हुआ था, लेकिन जब इसके रेजोनेंस बनाए जाते हैं आइसोक्विनोलिन के, तो आइसोक्विनोलिन की जो पोजीशन है वो अल्फा तो सेम है, नाइट्रोजन की बगल वाली ये भी अल्फा पोजीशन है और ये भी अल्फा पोजीशन है, ये दोनों अल्फा पोजीशन मानी जाती है, और दोनों अल्फा पोजीशन रिएक्टिव है, इसीलिए रिएक्टिव वाली पोजीशन से हम लोग नंबरिंग इन भाई ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, काउंटिंग उल्टी ही करेंगे तो फिर हम लोग नंबरिंग फिर यहीं से कर देते हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये कन्फर्म हो जाता है कि ये पोजीशन ज्यादा एक्टिव है। आपने बिल्कुल सही जगह पे बताया कि सर ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब एक चीज और बताऊं, अगर हम लोग आइसोक्विनोलिन का जो ऑक्सीडेशन है वो पढ़ लेते हैं, वही पूछा जाता है अधिकतर, आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन, बहुत ज्यादा आप मत पढ़ना क्विनोलिन, कारण ये है कि ये बीपीएससी में नहीं है, ये टॉपिक सब बीपीएससी में नहीं है और बिहार स्टेट में है, और बिहार स्टेट में पुराने पेपर उठा करके देखिए, जितना मैंने पढ़ाया इसके अंदर से आया होगा, बाहर से नहीं आएगा, बिल्कुल आप उठा करके पेपर देख लीजिए, मैक्सिमम चीजें मैंने डिस्कशन कर दी हैं। ये यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दीजिए और पेपर अगर उठाइए और चेक कर डालिए, इतना टिपिकल नहीं आएगा जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे कम ही आएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा देना, और यहाँ एल्कलाइन के एमएनओ4 लीजिएगा, एल्कलाइन के एमएनओ4 लीजिएगा, और इसके बाद ये कंडीशन में आप बना देना, यहाँ पर जो रिंग नाइट्रोजन वाला है वो ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ COOH हो जाएगा, ये थैलिक एसिड बन जाता है, थैलिक एसिड बनेगा, यहाँ पर लिख देना थैलिक एसिड, थैलिक एसिड दो हिस्सों में टूटेगा और साथ में बनेगा सिंकोमेरिक एसिड, तो सिंकोमेरिक एसिड नाइट्रोजन वाले रिंग से बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पर एन हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, यहाँ पर COOH, ये COOH, यहाँ पर भी COOH, ये हो गया सिंकोमेरिक एसिड, CINCHOMERIC, सिंकोमेरिक एसिड, पेन कहाँ भाग गया, सिंकोमेरिक एसिड बन जाता है। ठीक, इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बाकी बहुत चीजें आपको नहीं पढ़नी है, इतना अगर आपने पढ़ लिया इसमें तो फिर ये मान के चलिए कि 100% आप अपने क्वेश्चंस करके आएंगे। तो इसके हाथ के हाथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराए दे रहा हूँ जिससे इसका टॉपिक बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, रेडी रहिए बिल्कुल। रेडी हैं, एक बार बोलो आई एम रेडी, देखता हूँ कितने लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईयूपीएसी नेम ऑफ
आईयूपीएसी नेम ऑफ पायराडीन इज पायराडीन इज नंबर वन एजाइन नंबर टू एजोलीन नंबर सी डायाजीन जी बोलिए जल्दी से पक्का एजाइन नाम है इसका बी सही से आराम से बताइए क्वेश्चन नंबर एजाइन नाम होगा इसका एजाइन होगा तो इसे एजाइन बोलिएगा ध्यान से ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाए अभी आपने पढ़ा है अभी पढ़ा है आईयूपीएसी नेम ऑफ पायरोल इज नंबर ए ऑप्शन एजोल बी ऑप्शन एजोलीन सी ऑप्शन ऑक्सालोन जी बोलिए सेकंड का जवाब भी एजोल होगा बिल्कुल 100%। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए इन पिपराइडीन नाइट्रोजन एटम इज नंबर ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड बी sp हाइब्रिडाइज्ड सी sp3 हाइब्रिडाइज्ड तीन ही ऑप्शन दूंगा चौथा नहीं लिखूंगा लिखने में टाइम खराब होता है जी बताइए बोलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर चार पर आइए sp3 होगा सी बिल्कुल सही sp3 होगा बिल्कुल 100%। विच वन इज मोर बेसिक ये क्वेश्चन आ सकता है इसके आगे bs.tet लिख रहा हूं जी बताइए ए ऑप्शन एनिलीन बी ऑप्शन पायरोल सी ऑप्शन पायरिडीन और डी ऑप्शन थायोफीन जी बताइए यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है विच वन इज मोर बेसिक जल्दी बोलिए पायराडीन यहां सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है एनिलीन का भी डीलोकलाइजेशन में चला जाता है इस बात का ध्यान देना नहीं गड़बड़ा जाओगे जल्दीबाजी मत करिए गड़बड़ हो जाएंगे आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए फाइव पर आईयूपीएसी नेम ऑफ पिरिमिडीन आईयूपीएसी नेम ऑफ पिरिमिडीन इज ए होगा एजो ए हो जाएगा एजोलिडीन बी हो जाएगा एजाइन सी हो जाएगा 1.3 डायाजीन और डी हो जाएगा ट्रायाजीन
पिरिमिडीन का आईयूपीएसी नेम बताइए। पिरिमिडीन का आईयूपीएसी नेम बताइए। ये शायद आपको नहीं पता होगा, 1.3 डाइएजीन होता है, 1.3 डाइएजीन होता है, सी होगा दीक्षा। लेकिन पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो नाम कहाँ से लाओगे, तो मैं चलिए स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको यहीं पर हाथ के हाथ। ये नाइट्रोजन यहाँ रहता है, ये मैंने आपको बोला था पोजीशन बदल जाती है, बस एक ही कंडीशन है, पोजीशन बदलती है। ये हो गया, ये यहाँ पर कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा और यहाँ पर इस कंपाउंड को वन कॉमा, इसी को मैंने बताया भी ना पायरीमिडीन, अभी बोला भी था कि ये आ सकता है एग्जाम में, शायद आपको याद होगा 1.3 डायाजीन, याद है नहीं, देखो कराया है मैंने शायद, अभी मुझे अच्छे से याद है ये बात, मैंने भी बताया था, इम्पोर्टेंट भी बताया था इसे, हाँ और ना झूठ बोल रहा हूँ मैं। चलिए खैर कोई नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, बस इसी में से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन इज 5 मेंबर्ड रिंग। ए होगा फ्यूरॉन, बी होगा पायरेडीन, सी होगा बेंजीन। बोलिए जल्दी से। ए होगा फ्यूरॉन, वेरी गुड ज्योति, शाबाश पूनम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कौन सा चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट अ 5 मेंबर्ड रिंग। इसमें से कौन सा 5 मेंबर्ड रिंग नहीं है? नंबर 1 पायरोल, नंबर बी फ्यूरॉन, नंबर सी थायोफीन। ये क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं देख करके लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है। पायरेडीन, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं होंगे, इसमें से एक आध जो मुझे याद है पुराने वो भी लिख देता हूँ, बाकी अपना बना देता हूँ तुरंत, तो इसलिए आपको यहाँ पर एकदम अप टू द मार्क मामला मिलेगा। बताइए विच वन इज नॉट ए 5 मेंबर्ड रिंग, सेवेंथ का डी, यही 6 मेंबर्ड है, शाबाश वेरी गुड मेरे रसगुल्लों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर ऑफ, चलो थोड़ा सा, चलो ऑर्डर बाय लिख देता हूं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कर लेता हूं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सा करेक्ट है, इज करेक्ट। यहां से क्वेश्चन बना देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, फिर थायोफीन हो गया। बी पार्ट पर चले आइए, फ्यूरॉन हो गया,
फिर पायरोल हो गया, फिर थायोफिन हो गया। सी पार्ट पे आइए, पायरोल हो गया, फिर आपका थायोफिन हो गया, फिर आपका फ्यूरोन हो गया। डी पार्ट पे आइए, बताइए। जब तक आंसर तो आ ही गया है लगभग, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? इन्हीं तीन में से है, बता दीजिए। ए, ठीक। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में ना मिले तो फीस वापस। बिहार स्टेट में ना मिले, बिहार स्टेट में ना आए तो फीस वापस। अलग ढंग से लिख रहा हूं, ध्यान देना। एक्सप्लेन कर दें अनीता। चलो देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात अगर आपको ध्यान होगी तो नोट्स पे जाइए, शुरुआत में नोट्स पर जाइएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, यहाँ पे आइए। मैंने कहाँ लिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, ये देखो मैंने बताया था कि पायरोल, फ्यूरोन, देन थायोफिन। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखवाया है, उसके बाद बेंजीन लिखवाया था। उसका कारण है कि रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये इसके अंदर सेक्सटेट जो है पायरोल के अंदर ज्यादा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। ये मैंने समझाया था भी आपको, और यहाँ एक एक लोन पेयर बाहर है, फ्यूरॉन में भी बाहर है, लेकिन फ्यूरॉन की रिएक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था, क्वेश्चन भूल गया यार, पैसे वापस देने पड़ेंगे लग रहा है मुझे। चलो तुमने भटका दिया मुझे लग रहा है, इस वजह से मैं क्वेश्चन भूल गया। चलो, स्क्रैप सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर इज यूज टू प्रिपेयर। अनीता ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। चलो खैर, यही इंपॉर्टेंट है, अब भूल नहीं गया, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं, पायरेडीन। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आइसोक्विनोलिन। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपको, क्विनोलिन। ठीक है, और डी ऑप्शन दे रहा हूं ऑल। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, बी एस टेट लिख रहा हूं। 100% कोई चांस नहीं कि ना आए। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच इज नॉट एरोमेटिक, विच वन इज नॉट एरोमेटिक। 100% नोट करो इसे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूरॉन, बी पायरोल, सी पिपराइडीन और डी
पायरीडीन। जी बताइए। सी सही है, यही एरोमेटिक नहीं है। बिल्कुल 100% श्योर। क्वेश्चन मनु कैसे लग रहे हैं, इतना बताओ, ईमानदारी से बताओ यार। बाकी लोग भी बताएं कि क्वेश्चन कैसे हैं, क्लास कैसी समझ में आ रही है आपको। इन पायरेडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ठीक, नंबर वन बीटा पोजीशन, नंबर टू अल्फा पोजीशन, नंबर सी गामा पोजीशन। जी बताइए। ए, वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन नेट पे सर्च कर लेना, नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है, इसलिए नहीं मिलेंगे। बाकी तो लोग बनाते ही रहते हैं, क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाल नॉर सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाइए। नंबर ए ऑप्शन पायरोल, नंबर बी ऑप्शन फ्यूरॉन, सी ऑप्शन थायोफीन, डी ऑप्शन ऑल। जी बोलिए। डी, शाबाश, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 13 वाला। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट शोन बाई, पहला ए पार्ट पायरोल, बी पार्ट फ्यूरॉन, सी पार्ट पायरेडीन। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 14, सी, ठीक, शाबाश, वेरी गुड, और सुंदर अंकिता। बहुत सुंदर। क्विनोलिन ऑन हाइड्रोजिनेशन विद निकल एंड हाइड्रोजन टू गिव, ए क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, बिहार एस टेट।
इस बार क्वेश्चन पूरे मिलेंगे, क्यों नहीं छूटेगा बता दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं आपको, डेका हाइड्रो क्विनोलिन। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपको, टेट्रा हाइड्रो क्विनोलिन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बेंजीन। और डी ऑप्शन नो। बोलिए। चूक गए भाई साहब, टेट्रा मिलता है यहां पर, यहां टेट्रा मिलता है। पढ़िएगा नोट से एक बार दोबारा। डेका जब मिलता है, जब हम लोग प्लेटिनम और एसिटिक एसिड लेते हैं, प्लेटिनम और एसिटिक एसिड में डेका, निकल हाइड्रोजन में टेट्रा। चूक गए आप यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन। पढ़ाया मैंने आइसोक्विनोलिन विद एल्कलाइन के एम एन ओ फोर गिव्स। ए पार्ट में आइए। क्विनोलिनिक एसिड, क्विनोलिनिक एसिड। बी निकोटिनिक एसिड। सी सिनकोमेरिक एसिड। सिनकोमेरोनिक होता है, सिनकोमेरो निक एसिड। और डी होता है आपका, कुछ भी लिख लो, आंसर तो मिल ही गया। पिकोलिनिक एसिड लिख लो, पिकोलिनिक एसिड। जी बताइए, 15 वाला बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन जब कराया है तो क्या मिला है, दिखा देता हूं आपको। कराया है, पढ़ाया मैंने भी, ध्यान दो भी आप। ये देखो यहां कराया, ये मेन ऑप्शन इसमें सिंकोमेरिक ही है। थैलिक ऑप्शन दिया नहीं था उसमें, थैलिक दिया नहीं है तो वही तो ऑप्शन सही होगा ना। थैलिक ऑप्शन दिया नहीं है, सिंकोमेरिक दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ही नहीं था जो आप बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। प्रीति समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरेडीन अकर्स एट कहां पर होगी? ए पार्ट नाइट्रोजन एटम पर हो जाएगी, बी पार्ट अल्फा पोजीशन पर हो जाएगी, सी पार्ट बीटा पोजीशन पर हो जाएगी और डी पार्ट नहीं होगी, नॉट शोन। बताइए।
न्यूक्लियोफिलिक में चीची बाबिन अभी मैंने बताई थी, चीची बाबिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अल्फा पर होगी ना, अल्फा पोजीशन पर होगी ना, चीची बाबिन मैंने बताई कि अल्फा पोजीशन पर होगी, फिर दिखा देता हूँ आपको, इतनी जल्दी गलती कर रहे हो यार। देखो ध्यान से, चीची बाबिन पढ़ाई थी मैंने, ये चीची बाबिन देखो यार ध्यान से, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये पोजीशन अल्फा तो ही है, ध्यान दो, ये पोजीशन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन इन क्विनोलिन टेक्स प्लेस एट, वही ऑप्शन दे रहा हूं, नाइट्रोजन एटम, बी अल्फा पोजीशन, सी बीटा पोजीशन और डी गामा पोजीशन, बताइए। क्या बता रही हो कि दीक्षा आपने लिखा सर सब में होती पायराडीन में नहीं होती, नहीं चीची बाबिन रिएक्शन मैंने बताई है, समझ नहीं पा रहा क्या कह, न्यूक्लियोफिलिक पायराडीन अक्कर सेट अल्फा पोजीशन में होती है, सेवनटीन क्वेश्चन बताइए जल्दी से, बी है, ठीक है सर, ये बिल्कुल अल्फा पोजीशन पे होती है, एक दो तीन क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 20 कराऊंगा टोटल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा 100% करके जाइएगा। विच कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर, ए फिनॉल, बी एनिलीन, पेपराइडीन, सी ऑप्शन बेंजीन, जी देखिए मैं आपको बताऊं दीक्षा, आपने पूछा है किसमें अल्फा पर होगी किसमें बीटा पर होगी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितने भी 6 मेंबर्ड रिंग हैं, समझ लो ध्यान से, जितने भी 6 मेंबर्ड रिंग हैं उनके अंदर अल्फा पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बीटा पर इलेक्ट्रोफिलिक होगी, बाकी सब में अल्फा पर इलेक्ट्रोफिलिक होगी, बस इतना अंतर है, जो 6 मेंबर्ड रिंग है उनमें अल्फा पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक होगी और बीटा बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब पर होगी, बस इतना ही ध्यान देना है तुम्हें। जी पिपराइडीन होगा यहां पर, ठीक है बिल्कुल सही आपने बताया कि यहां पर पेपराइडीन होगा, उसके बाद यहां पर चले आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19,
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पायरेडीन ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स ए टीएचएफ देगा, बी पिपराइडीन देगा, सी बेंजीन देगा, क्या बनाएगा बताइए। जल्दी बोलिए। दीक्षा, आपने लिखा है सिक्स मेंबर अल्फा पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक, बीटा पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक बन जाते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। दीक्षा गलती हो गई, पिपराइडीन हाइड्रोजनेशन पर, पायरेडीन हाइड्रोजनेशन पर पिपराइडीन देता है, पिपराइडीन देता है, गलती फिर कर दी आपने। और एक लास्ट क्वेश्चन, बीसवां क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। विच वन अंडरगोज डाइएल्स एल्डर रिएक्शन, ये आपको याद करना पड़ेगा। यही तो दीक्षा में कह रहा हूं, थोड़ी सी ध्यान दो, ध्यान देना जरूरी है। नंबर वन थायोफीन, नंबर बी पायरेडीन, नंबर सी पायरोल, फिर है डी फ्यूरॉन, ये याद करना पड़ेगा। मैंने अभी नहीं बताया आपको। कौन इसमें डायल सेल्डर रिएक्शन शो करता है? पायरोल लिख रहे हैं कुछ लोग, डी लिख रहे हैं, फ्यूरॉन अधिकतर लोग लिख रहे हैं। चलिए, खैर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, फ्यूरॉन इसमें होगा, फ्यूरॉन। चलो देखता हूं, ज्योति में देख, मैंने एक्चुअली में व्हाट्सएप इतना मैसेज हो जाता है कि वो सीन तो दिखता होगा लेकिन देखा नहीं, मैं देख के जवाब दूंगा आपको। फ्यूरॉन होगा यहां पर, ठीक है। फ्यूरॉन जो होता है वो डाइल से एल्डर रिएक्शन शो करता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। फ्यूरॉन जो है वो डाइल से एल्डर रिएक्शन शो करेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए, ओके। बाकी कल भी क्लास इसी टाइम होगी और कल उम्मीद है बायोमोलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे। चलिए दीक्षा, इनका आंसर देना बेटा, देख करके क्या है, बाकी लोग भी इनका आंसर दीजिएगा, नहीं हो तो फिर मैं बताता हूँ उसको, देखता हूँ मैं। ओके।